We have discussed there is a master leave, there is a full length leave, there is a graduated length leave, and we have calculated the stresses. We have calculated the bending stress. So one bending stress is sigma f and another bending stress sigma g. Sigma f means it is a bending stress in full length leave. Bending stress in graduated length leave is sigma g. तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया था, सिक्स पी एफ एल पी एफ एल डिवाइडेड बाय एन एफ बी टी स्क्वायर. एन एफ इज द नंबर ऑफ फुल लेंथ विद एन एफ बी टी स्क्वायर. तो सिग्मा एफ तो हमको ये मिल गया था, ठीक है. सिग्मा एफ के बाद हमने निकाल दिया था डेल्टा एफ. डेल्टा एफ भी हमने निकाल लिया था. डिफ्लेक्शन इन द फुल लेंथ लिंक कितना आया था हमारा फॉर्मूला बोल दीजिए, 4PFL³ अपॉन ENFBTQ. सिमिलरली सिग्मा जी जो आया था 6PGL डिवाइडेड बाय NGBT² एंड डेल्टा जी इज 4 की जगह पे यहां आया था 6 आया था ना, PGL³ डिवाइडेड बाय ENGBTQ, ठीक है. यह फिर मैंने कहा था क्योंकि लीफ स्प्रिंग एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, तो डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फुल लेंथ लीफ और ग्रेजुएट लेंथ लीफ का डिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर दो बोर्ड से कॉम्पैक्ट है तो अलग अलग डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है ना, बराबर ही डिफ्लेक्शन होगा. तो दैट्स व्हाई वी आर इक्वेटिंग डेल्टा एफ इक्वल टू डेल्टा जी. डेल्टा एफ इक्वल टू डेल्टा जी यहाँ लिख रहे हैं. बट सर 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 दोबारा से बताना सर. देखो लीफ स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास मास्टर लीफ है ना, मास्टर लीफ है. मास्टर लीफ के नीचे जो है फुल लेंथ लीफ है, फुल लेंथ के नीचे जो ग्रेजुएटेड है ना. तो जब इसमें फोर्स आता है, ठीक है, फोर्स आने से जितना डिफ्लेक्शन ऊपर वाली लीफ में होगा उतना ही रिफ्लेक्शन नीचे की लीफ में होगा, क्योंकि इनको हमने यू बोल्ट से क्या कर रखा है, ग्रिप कर रखा है ना. जब कोई चीज ग्रिपिंग है, एक ही स्ट्रक्चर है, तो जब उसमें फोर्स आएगा तो बराबर ही रिफ्लेक्ट होगी, है ना, हर लीफ बराबर ही रिफ्लेक्शन होगी. तो वी कैन इक्वेट दिस रिफ्लेक्शन इक्वल टू दिस रिफ्लेक्शन. तो डेल्टा एफ इक्वल टू हमने क्या कर दिया, डेल्टा जी, ठीक है. अब इसमें देखो जब इक्वेट करोगे तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना, कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल 4PFL³ डिवाइडेड बाय ENFBTQ इक्वल टू 6PGL³ डिवाइडेड बाय ENGBTQ. ई से ई कैंसिल, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, बी से बी कैंसिल, टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल. तो क्या बचा, अल्टीमेटली हमको मिला है ना 2 2 4 2 3 6, इसको भी कट कर दिया. तो फाइनली वी गॉट 2PF डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिला NF इक्वल टू 3PG डिवाइडेड बाय दिख नहीं रहा था साइड का, साइड का मैं नीचे लिख देता हूं, इसको काटने के बाद हमें देखिए सर 2PF डिवाइडेड बाय NF इक्वल टू 3PG डिवाइडेड बाय NG, ये इक्वेशन है, ठीक है. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, PF और PG का रेशियो निकाल सकते हैं, है ना, जो फोर्स का डिवीजन हो गया है फुल लेंथ लीफ में और ग्रेजुएटेड लेंथ लीफ में, जो डिवीजन हुआ है PF और PG, है ना. तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास है P इक्वल टू PF प्लस PG, है ना, टोटल फोर्स P है उसका डिवीजन हो गया PF और PG, और यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं PF और PG का. दो इक्वेशन दो अननोन, तो वी कैन सॉल्व इट, है ना, बाय द एलिमिनेशन मेथड. तो हमें PF और PG की वैल्यू मिल जाएगी किस पॉइंट कितना डिवीजन हो रहा है. तो यहां से हम निकाल देते हैं PF डिवाइडेड बाय PG इक्वल टू हो जाएगा 3NF डिवाइडेड बाय 2NG, 3NF डिवाइडेड बाय 2NG.
सर नीचे दिख नहीं रहा सर, ऊपर लिख देता हूँ मैं ना, ऐसे किया तो यहाँ मुझे मिला ईएस डिवाइडेड बाय ईजी इक्वल टू थ्री एनएस डिवाइडेड बाय टू एन, ये मुझे मिल गया। अब देखो आपने ये पढ़ा है कि रेशियो होते हैं ना, इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये आपने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे। इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी देन ए प्लस बी बाय बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी होता है, इसको कुछ कहते हैं, कौन सा रेशियो कहते हैं, एडिशन वाला कुछ कहते हैं, है ना। आपने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये रूल है। तो इस रूल को यदि हम यहाँ लगा दें, ठीक है, इस रूल को यदि हम यहाँ लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, पी एफ प्लस पी जी डिवाइडेड बाई पी जी इक्वल टू थ्री एन एफ प्लस टू एन जी डिवाइडेड बाई टू एन जी। अब देखो पी एफ प्लस पी जी कैन बी रिप्लेस बाई पी, पी एफ प्लस पी जी का जो टोटल है दैट इज रिप्लेस बाय पी टोटल फोर्स, तो ये हो जाएगा P अपॉन पी जी इक्वल टू थ्री एन एफ प्लस टू एन जी डिवाइडेड बाई टू एन जी। तो यहां से पी जी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना, यहां से हमको पी जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी जी यहां से कितना हो जाएगा, पी जी विल बी टू एन जी पी डिवाइडेड बाय थ्री एन एफ प्लस 2ng, ये हो जाएगा। तो देखो जो p का डिवीजन है दैट डिवीजन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स एंड नंबर ऑफ फुल लेंथ, दोनों पे डिपेंड करता है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। डिवीजन 2ng डिवाइडेड बाय 3n प्लस 2n, ये ग्रेजुएटेड लेंथ लीफ का फोर्स है। तो ग्रेजुएटेड और मास्टर मिला के एक पार्ट है, तो ग्रेजुएटेड और मास्टर में इतना फोर्स चला जाएगा और जो बचा हुआ फोर्स है वो हमारा फुल लेंथ लिंब में चला जाएगा। तो हम पी एफ भी निकाल सकते हैं। तो पी एफ निकालने के लिए क्या है, पी माइनस पी जी, पी एफ क्या है, पी माइनस पी जी। तो जरा इसे निकाल लेते हैं, एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, तो काम आएगा कि पी जी बराबर इतना। सिमिलरली पी एफ निकालने के लिए पी माइनस पी जी, तो दिस कैन बी रिटन एज पी माइनस पी जी 2ng p divided by 3nf plus 2ng, ठीक है, p कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो फाइनली ये हो जाएगा 3nf plus 2ng minus 2ng, तो 2ng 2ng कैंसिल आउट, तो कुल मिला के ऊपर केवल बचेगा 3nf p divided by 3nf plus 2ng। सर ऊपर लिख दो, हाँ मैं ऊपर लिख दूँ प्लान को, EF is given by 2NG cancelled 3NF P divided by 3NF plus 2NG, ये हमारा PF force है, ठीक है, हमारे दोनों force आ गए, ठीक है, हमको ये पता लग गया कि division कितना हो रहा है ना, division कितना हो रहा है। अब देखिए ये डिवीजन अब हमारे कैसे काम आएगा, हमें ये पता करने में काम आएगा कि कौन सी लीफ में स्ट्रेस ज्यादा है और कौन सी में कम है, है ना, कौन सी में ज्यादा है और कौन सी में कम है। तो देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला फुल लेंथ का क्या था, फुल लेंथ का फॉर्मूला था पी एफ सिग्मा एफ, सिग्मा एफ 6 पी एम है डिवाइडेड बाय इसको देख के ये पता नहीं चलता कि सिग्मा एफ बड़ा है या सिग्मा जी बड़ा है, ये पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पी एफ है या पी जी है, यहाँ एल एल तो चलो बराबर है, बी टी स्क्वायर बराबर है, लेकिन एन एफ यहाँ लगे यहाँ लगे, तो वी कांट कंपेयर, हम मतलब कंपेयर करके ये पता नहीं लगा पा रहे कि कौन सा बड़ा है कौन सा स्मॉल है। तो लेकिन जब हमें पी एफ की वैल्यू पता है पी के फॉर्म में और पी जी की वैल्यू पता है पी के फॉर्म में,
तब हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि विच स्ट्रेस इज ग्रेटर, है ना, विच इज ज्यादा क्रिटिकल पार्ट कौन सा है। तो चलिए आप वैल्यू रख देते हैं, 6 इंटू पी एफ की वैल्यू 3 एन एफ इंटू पी डिवाइडेड बाय 3 एन एफ प्लस 2 एन जी। ये तो मैंने वैल्यू रख दी किसकी, पी एफ की, इंटू एल डिवाइड बाई एन एफ बी टी स्क्वायर, एन एफ बी टी स्क्वायर, एन एफ से एन एफ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, नहीं 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लस में है, 3 कैंसिल नहीं होगा, तो 6 3 या 18, 6 3 या 18, तो 18 पी आई, है ना, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 पी एल, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा, यहां लिख देता हूं, 18 पी एल डिवाइडेड बाय 3 एन एफ प्लस 2 एन जी बी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल गया सिग्मा एक्स के लिए, ठीक है, सिग्मा एक्स के लिए। पहले जो फॉर्मूला था वो पी एफ के फॉर्म में था, अब जो फॉर्मूला है वो टोटल फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, फॉर्मूला टोटल फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट वी कैन कंपेयर। अब देखो सिग्मा जी को निकाल लो ऐसे, 6 पी जी की वैल्यू 2 एन जी पी, 2 एन जी पी डिवाइडेड बाय 3 एन एफ प्लस 2 एन जी इंटू एल डिवाइडेड बाय एन जी बी टी स्क्वायर। तो देखो अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से एन जी से एन जी कैंसिल है ना, और 6 टू जा 12 पी एल, ये आ जाएगा 12 पी एल डिवाइडेड बाय 3 एन एफ प्लस 2 एन जी बी टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया सिग्मा जी की वैल्यू। अब देखो सिग्मा एफ सिग्मा जी पहले कंपेयर नहीं हो पा रहे थे, क्या अब कंपेयर हो पा रहे हैं, ऊपर का न्यूमरेटर 18 पी एल, यहाँ का 12 पी एल, किसका न्यूमरेटर ज्यादा, सिग्मा एफ का न्यूमरेटर ज्यादा, ठीक है, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम, डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली सेम, 3 एन एफ प्लस 2 एन जी, 3 एन एफ प्लस 2 एन जी बी टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर, सो डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर जिसका ज्यादा वो फ्रैक्शन बड़ा, ये तो हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब इससे ये फाइनल हुआ कि सिग्मा एफ इज ग्रेटर देन सिग्मा जी, सिग्मा एफ इज ग्रेटर देन सिग्मा जी, ये हमारा कंक्लूजन आ गया, हेंस सिग्मा एफ इज ग्रेटर देन सिग्मा जी, ठीक है। लोग वाइवा में पूछते हैं कौन सी लीव में ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो मैंने पिछली बार भी पूछा था आपसे क्लास में, है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट तो नहीं, यस सर, हां ओके तो सेगमेंट मुझे करने देते हैं जूम में यहां पे आएगा। तो लास्ट क्लास में हमने बोला था कि किसमें स्ट्रेस ज्यादा है, तो आप सबने ही जवाब दिया था कि ग्रेजुएट में ज्यादा होगा क्योंकि उनकी लेंथ शॉर्ट है, यस सर, बट फ्रॉम कैलकुलेशंस इट इज क्लियर कि सिग्मा जी में स्ट्रेस कम है, मतलब जो लेंथ शॉर्ट है उसमें स्ट्रेस कम है और फुल लेंथ में स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है। अब डिजाइन क्या देती है, क्या ऐसा होना चाहिए किसी स्ट्रक्चर में कि कहीं पर स्ट्रेस ज्यादा कहीं पर स्ट्रेस कम, हम क्या चाहते हैं, मतलब डिजाइन का क्राइटेरिया क्या है, हम ये चाहते डिजाइन कॉन्फिगरेशन से हम ये चाहेंगे कि पूरे स्ट्रक्चर में, मतलब चाहे ग्रेजुएटेड हो चाहे फुल लेंथ हो, उन दोनों में स्ट्रेस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर हो, तभी तो हम मटेरियल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना, तभी तो हम मटेरियल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो मतलब सेंस ये है कि कैलकुलेशन से अभी भी ज्यादा आ रहा है विच इज नॉट डिजायरेबल, मतलब ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये कोशिश करनी है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, सिग्मा एफ और सिग्मा जी दोनों इक्वल हो जाने चाहिए हमारे स्ट्रक्चर, है ना। तो इन्हें इक्वल करने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं निपिंग, उस प्रोसेस का नाम क्या है, निपिंग, निपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, निपिंग। सर कौन सी प्रोसेस है सर, हाँ क्या कह रहे हैं सर, कौन फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं, ये चीज तो क्लियर हो गई, आपने प्रोग्राम कर लिया, ठीक है।
ये मेरी कौन सी बीट है, फुल लेंथ बीट, ठीक है। इसका कोई ना कोई जो रेडियस है, इट इज हैविंग सम रेडियस, सो दिस इज रेडियस आर कह सकते हैं। तो ये फुल लेंथ बीट का रेडियस है, ये किसका रेडियस है, फुल लेंथ बीट का रेडियस है। अब इसके नीचे यदि ग्रेजुएटेड लेंथ बीट लग गई तो ग्रेजुएटेड लेंथ लीफ का रेडियस कितना होगा, सबका बराबर रहता है। यदि आप एक के पीछे ही लगाते जाओगे, आप देखते हैं कुर्सी में कुर्सी घुस जाती है, तो सारी कुर्सियों की डायमेंशन तो सेम ही होती है ना। तो रेडियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसके नीचे वाले का रेडियस, सब तो चिपके हुए हैं आपस में, है ना, जस्ट कनेक्टेड है। तो उन सबकी जो बेंडिंग रेडियस है वो क्या है, इक्वल है, है ना। जब बेंडिंग रेडियस इक्वल है तब ये कैलकुलेशन आ रही है, तब ये कैलकुलेशन हमको मिल रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि दोनों की रेडियस को यदि हम डिफरेंट करते हैं, जैसे ये तो फुल लेंथ लीफ है, ठीक है, इसकी रेडियस ये है, ठीक है। अब इसकी नीचे जो ग्रेजुएटेड है यदि हम बराबर रखेंगे तो ये बिल्कुल इससे चमक जाएगी, लेकिन यदि हम इसकी रेडियस को कम कर दें, इसकी रेडियस को कम कर दें, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये लीफ कुछ इस तरह से आ जाएगी, है ना, ये लीफ क्या जाएगी कुछ इस तरह से। तो इसकी बेंडिंग रेडियस कम हो गई, इसमें ज्यादा मोड़ है, है ना। और जैसे बड़ा सर्किल होता है, छोटा सर्किल होता है, तो छोटे में ज्यादा मोड़ आ जाता है ना, तो इसकी बेंडिंग रेडियस कम है, इसकी बेंडिंग रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एक गैप जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने बेंडिंग रेडियस डिफर कर, बेंडिंग रेडियस डिफर क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य यह है कि दोनों में स्ट्रेस बराबर हो जाए, है ना। हाँ, तो अब देखो बेंडिंग रेडियस अलग अलग करने से, है ना, इनके बीच में गैप जनरेट होता है। अब गैप कितना रखें, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 कुछ, है ना। तो कौन सा गैप है जिस गैप की वजह से स्ट्रेस इक्वल आ जाएगा, स्ट्रेस इक्वल क्यों होता है उसको भी देखिए। ये गैप है, ठीक है। अब गैप करने के बाद जब हम यहां पर यू बोल्ट लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, यू बोल्ट लगाते हैं, यू बोल्ट को फिर हम टाइटनिंग करते हैं, बोल्ट टाइटनिंग करते हैं, टाइटनिंग करने से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, है ना, स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो इसके अंदर भी स्ट्रेस डेवलप होता है, इसके अंदर भी स्ट्रेस डेवलप होता है टाइटनिंग करने की वजह से, ठीक है। तो टाइटनिंग से क्या होता है, जिसमें स्ट्रेस कम है उसका तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसमें स्ट्रेस कम है उसका तो स्ट्रेस, और जिसमें स्ट्रेस ज्यादा है उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, वो दोनों एक इक्वल लेवल पर आ जाते हैं, इक्वल लेवल पर जाते हैं। क्योंकि एक में यदि हॉगिंग होती है तो एक में सेटिंग होती है, इस स्ट्रक्चर में एक में सेटिंग होती है तो एक में हॉगिंग होती है, तो एक का स्ट्रेस बढ़ता है तो एक का स्ट्रेस बढ़ता है। तो फुल लेंथ वाली का तो स्ट्रेस घटता है और ग्रेजुएटेड वाली का स्ट्रेस बढ़ता है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है व्हेन सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एच, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट। तो उस वक्त जो गैप है वो कहलाता है निप, है ना, और निप को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, निप इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो निपिंग क्यों करते हैं, क्या कहोगे, इसका सीधा सा आंसर ये है, वी डू निपिंग इन द लीफ स्प्रिंग बिकॉज वी वांट टू इक्वलाइज द स्ट्रेसेस डेवलप इन द फुल लेंथ लीव्स एंड ग्रेजुएटेड लीव्स, है ना, वी डू निपिंग। अक्सर लोग नहीं बता पाते हैं ना, बायबाम में जब लीफ स्प्रिंग की बात चलेगी तो निपिंग जरूर पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय निपिंग एंड व्हाई वी डू निपिंग। तो इसका आंसर दो लाइन में बस ये है, वी डू निपिंग टू इक्वलाइज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द फुल लेंथ लीव्स एंड ग्रेजुएटेड लीव्स, इक्वलाइज करना है। क्योंकि फ्रॉम कैलकुलेशन इट इज वेरी क्लियर कि यदि हम निप नहीं करेंगे तो स्ट्रेस अलग अलग होंगे, सिग्मा एफ ज्यादा होगा सिग्मा जी, एंड वी वांट टू इक्वलाइज, दैट्स व्हाई वी डू निपिंग।
और निपिंग कितनी करनी है उसके लिए ये इक्वल होने वाला जो पॉइंट है वो निपिंग होता है। तो उस इस निप के लिए एक फॉर्मूला है ना, इस निप के लिए एक फॉर्मूला है। तो उसके डेरिवेशन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, मैं जस्ट एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ निप का। ठीक है, तो निप का फॉर्मूला है 2PL³ डिवाइडेड बाई EN BTQ। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू 2PL³ डिवाइडेड बाई EN BTQ। अब ये आपको क्लियर है, P टोटल फोर्स है, L लेंथ पूरे स्पान का हाफ, 2L का हाफ L, N's मॉडुलस, टोटल नंबर ऑफ लीव्स NF प्लस ND, B विड्थ ऑफ द लीव्स, T थिकनेस ऑफ द। तो यदि हमें ये पैरामीटर्स पता है देन वी कैन फाइंड सी फाइंड। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है कि ये जो बोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, उस बोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, टाइट करने से ये गैप क्या हो रहा है, कम जीरो हो जाएगा। टाइट करते जाएंगे तो एक पॉइंट तो आएगा जब ये गैप जीरो हो जाएगा, लेकिन जब गैप जीरो हो जाएगा लेकिन इसके अंदर कुछ प्री स्ट्रेसिंग हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगी, कुछ भाई जब हमने टाइट कर दिया है तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा विदाउट एनी फोर्स, फोर्स कोई नहीं आ रहा, उससे पहले ही इसमें कुछ प्री स्ट्रेसिंग हो जाएगी। तो उस प्री स्ट्रेसिंग की वजह से सिग्मा जी बढ़ जाएगा, सिग्मा एफ घट जाएगा और वो दोनों एक लेवल पे। तो लोग ये पूछते हैं कि इसको कितना टाइट किया जाए, मतलब बोल्ट को कितना टाइट करें, कितना टाइटनिंग फोर्स दें, कितना टाइटनिंग फोर्स दें। तो उस टाइटनिंग फोर्स को हम कहते हैं PI। आई का मतलब होता है इनिशियल टाइटनिंग, है ना, इनिशियल टाइटनिंग। तो इस PI के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो दैट फॉर्मूला अगेन आई एम राइटिंग। तो So that formula is 2NG NFP, right? 2NG NFP divided by 3NF plus 2NG into N, N into 3NF plus 2NG. ये हमारा initially tightening का formula है, ठीक है? तो जब ये numerical solve करेंगे और ये हमको initial tightening पूछी जा रही है, we will use this formula. तो यहाँ पे क्या है, 2NG, NG मतलब number of relative leaves, number of length leaves, total force, total number of leaves, सारे यूज हो रहे हैं, NG भी हो रहा है, NF भी हो रहा है, N भी हो रहा है, total number of leaves, NF plus NG, 3NF plus 2, ठीक है? तो this completes the theory part of the leaf system, ठीक है? तो just write one numerical, तो तो ये न्यूमेरिकल है पेज नंबर 432 पर, है ना, बीबी भंडारी, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा, मैं जस्ट इसको पढ़ूंगा, गिवन डाटा लिखूंगा एंड वी विल सॉल्व इट, है ना। यस, सो ए सेमी इलिप्टिक लीफ स्प्रिंग is used for the automobile suspension, ठीक है, automobile suspension में इसका application है। तो it consists of 3 extra full length leaves, it consists of 3 extra full length leaves, it means NF equal to 3, NF equal to 3, so given data, given NF equal to 3, ठीक है, and 15 graduated length leaves, ND equal to 15, ठीक है, ND equal to 15, including the master leaf, ये जो 15 है, इसमें master leaf शामिल है, ठीक है, master leaf शामिल है, मतलब एक master leaf है तो 14 graduated length leaves है, लेकिन उसको बोलते हैं NG, NG का मतलब उसमें master leaf included है, तो हमने जो structure बनाया था triangular उसमें मास्टर लीफ इंक्लूड किया है ना, तो एन जी की वैल्यू 15 है। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू आईज ऑफ द स्प्रिंग इज 1 मीटर, जैसे ये स्प्रिंग होती थी ना,
तो इसमें हम आई बनाते थे मास्टर लीफ में, तो इस आई से लेके इस आई तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो ये 2L की वैल्यू, तो 2L इक्वल टू 1 मीटर, इट मींस इट इज 1000 nm, 2L। क्वेश्चन में हमको L की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो L इज 500। कई बार लोग L की वैल्यू 1000 लेके सॉल्व कर देते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्स में, ठीक है, बी केयरफुल। स्पान दिया है मतलब आपको 2L दिया है, तो आप L फाइंड कर लीजिए। The maximum force that can act on the spring is 75 kilonewton. तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 75 kilonewton. ठीक है? For each leaf, है ना? तो अब ये maximum force है, मतलब ये axle पे आने वाला फोर्स है या आई पे आने वाला फोर्स है? It is the force coming on axle or it is the reaction coming on आई? So this is the force coming on axle because it is total force, it is the maximum force. So this is the value for again value for. So if 2P75, then P is 37.5 into 10 to the power 3. Correct. So P हमको मिल गया. अब आता है for each leaf, the ratio of width to thickness is 9:1. Width upon thickness d by t, है ना? This ratio is given 9:1. So b equal to 90. एक तरह से दिया है b equal to 90. It is given to us, है ना? इसके बाद the modulus of elasticity of the leaf material is 2,07,000. Modulus of elasticity 2,07,000 newton per mm square. ठीक है, मेगा पास्कल. When the force is maximum, the stresses induced in all the leaves are same. ठीक है, force जब maximum है उस समय stress induced in all the leaves are same. इसका मतलब nipping हो रखी है, अभी तो same है ना, nipping हो रखी है, nipping होती है, nipping की जाती है, ठीक है, compulsory part है ना, तो nipping हो रखी है, it's same. ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू भी दे रखी है, तो दोनों में स्ट्रेस बराबर है, इसका मतलब सिग्मा एफ बराबर सिग्मा जी बराबर कितना 450. हाउ मच इट इज गिवन? 450 न्यूटन पर स्ट्रेस की वैल्यू बराबर दे रखती है, ठीक है। डिटरमिन द विथ एंड थिकनेस ऑफ द लीफ, तो एक तो हमको विथ निकालनी है, थिकनेस निकालनी है, दीज आर द नोन पैरामीटर्स। द इनिशियल निप सी निकालना है, क्या निकालना है? सी निप, निप का फॉर्मूला हमने नीचे दिख नहीं रहा, ये वाली लाइन दिख रही है, इसको हम यहां लिख देते हैं। हमें बी फाइंड करना है, फाइंड करना है और सी फाइंड करना है, सी मींस निप, सी का फॉर्मूला 2PL³ डिवाइडेड बाय 2 भी लिख पाया आपको, है ना। अच्छा, इसके बाद द इनिशियल प्रीलोड, इनिशियल प्रीलोड ड्यू टू टाइटनिंग, तो पीआई, तो पीआई भी निकालना है, ठीक है, टू क्लोज द गैप बिटवीन एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीफ्स एंड बेस लीफ्स। तो इस फोर्स की वजह से वो गैप क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, जो निप पाड़ा पा गैप है वो क्या हो जाएगा? क्लोज, ठीक है। तो निप कितना है ये बताओ, और उस निप को क्लोज करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी, तो हमको पी आई भी बताना है। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, है ना। सर सी से बता दीजिए दोबारा, सी से सर ये बताइए, ये निप और निपिल जो है वो सेम ही है? निप और निपिंग, हाँ सेम है। निप तो डिस्टेंस है कि कितने मिलीमीटर हमने डिस्टेंस पे छोड़ी है उनके बीच में, और निपिंग मेथड है उस गैप को जनरेट करने की, मेथड निपिंग है, ठीक है। और मेथड में हम क्या करते हैं? रेडियस डिफर कर देते हैं, तो निपिंग हो जाती है। तो निपिंग इज अ मेथड एंड निप इज द डिस्टेंस, कैसे क्लियर है? तो दिस इज द क्वेश्चन, है ना, डाटा गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने जब क्वेश्चन क्लियर है एवरीथिंग तो बड़ा आसान है ना। तो बताओ सिग्मा एफ का फॉर्मूला मालूम है?
कोई भी फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा एस का लगा दो चाहे सिग्मा जी का लगा दो, कोई भी लगा दो, बताओ क्या फॉर्मूला है। नहीं पीजी वाला मत लगाओ क्योंकि पीजी पता नहीं है ना। हाँ पीजी तो अलग अलग मालूम नहीं है हमें, तो बेटर है कि आप वो अलग लगा दो जो जो टोटल फोर्स के फॉर्म में, हाँ जिससे हमने कंपेयर किया था कि कौन सा जाएगा। हाँ बोलो जी हमारा कितना है 450, तो हम इसकी जगह 450 लिख सकते हैं। 12 पी हमारा कितना है 37,500, 37,500 इसकी जगह हम लिख सकते हैं 37,500। एल हमारा कितना है 500 mm, 3 × mm हमारी फुल लेंथ लिख कितनी है 3, तो 3 × 3, 2 × ng हमारा कितना है 15, 2 × 15। बी को लिख सकते हैं 90 क्योंकि रेशो के बाद है, तो बी कैन बी रिटन एज 90 × t², तो यहां से केवल अननोन क्या है उसकी बता दीजिए। हाँ कितना आ रहा है, हाँ कैलकुलेटर निकाल के करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बताइए, आकाश रंजन है क्लास में, कैलकुलेट करिए। आकाश रंजन सुन पा रहे हैं मुझे? आकाश रंजन चेंज हो गया है, पहले बी में था ना। अच्छा आप ए से बी, काफी लोग फेरबदल हो गया ठीक है। क्वेश्चन कितना हुआ, आर्यन पारिक किस में है, इसी में अल्फाबेट के साथ में कर दिया इनिशियल वाले सब उसमें सर। आर आर नाम का बताइए, व्हाट इज कमिंग पी, इलेवन पॉइंट 25, बिल्कुल सही है ना, यही आ रहा है सॉल्यूशन में 11.56 आ रहा है और आपका 11.25 तभी चलेगा मोस्ट, है ना 11.25 11.56 पास पास ही है, तो इसको हम क्या करेंगे राउंड ऑफ कर देंगे, तो अभी कितना हो गया 12 आ रहा है ठीक है। थिकनेस ऑफ द लीफ इज 12, तो व्हाट इज विड्थ, विड्थ इज 9 टाइम्स की, तो 12 × 9 तो ब्रेड निकल गई, पी निकल गई, अब निप निकाल लो, निप सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर निप, तो फॉर्मूला फॉर निप इज C = 2PL³/3LF(EN)BTQ, so it is 2 × E, E हमारा है 37,500, L हमारा है 500 mm, पावर 3, यंग्स मॉडल ऑफ गिवन 2,07,000, यूनिट कॉम्पिटिटिव देखना सारा कुछ मिलीमीटर और न्यूटन में चल रहा है ना, N, N मतलब होता है NF+NG, तो कितना हो गया टोटल 3+15, how much N? L = 3+15 यानी कि 18, तो N की जगह हम यूज करेंगे 18, B हमारा 108 ठीक है, और T हमारा ऑनली 12 है ना, 12 power 3, सॉल्व कितना निकाल रहा है, यस निखिल अग्रवाल, निखिल अग्रवाल मुझे सुन पा रहे हैं, B25
धर्मराज, धर्मराज में बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, धर्मराज, निखिल अग्रवाल, अभिनव पचौरी, प्लीज गिव रिस्पॉन्ड, अभिनव पचौरी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। तो अभिनव पचौरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे हैं क्लास में? आप कैलकुलेटर लेके बैठा कर रहे हैं ना सभी लोग, सो दैट फाइनल आंसर जल्दी मिल जाएगा। कितना आया आंसर? ठीक है, 13.48, बिल्कुल सही है, करेक्ट, 13.48 है ना। वो कितना गैप अगर हम रखेंगे तो फिर प्री लोड के बाद में, प्री स्ट्रेसिंग के बाद में उनमें स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13.4, अब क्या रहेगा निकालने को? कितना फोर्स लगे, टाइटनिंग फोर्स क्या है? तो टाइटनिंग फोर्स का फॉर्मूला लगा लो, PI इक्वल टू PI इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 2 mg NFP डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 mg प्लस 2 NF, बाकी आप लोग अपने हिसाब से पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। और यदि आपको भी डेरिवेशन समझना है, जैसे ये सी का फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, 2PL³ डिवाइड, तो इट इज गिवन इन द बुक्स, है ना, वहां से रिफर कर सकते हैं। बट डेरिवेशन पार्ट हमारे में अभी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है फिलहाल, है ना। उतना ही डेरिवेशन है कि स्ट्रेस क्यों जाता है, वहां तक डेरिवेशन है। तो बाकी का फिर हमने आपको वो कर दिया। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर दैट, है ना, बुक से देख सकते हैं या मेरे केबिन में आके मुझसे समझ सकते हैं। तो b इक्वल टू 90, इसका फॉर्मूला, इसका आंसर बता दीजिए, pi का कितना है? 48.6 न्यूटन, है ना, मीटर सही है। सो दिस इज pi। सो दिस कंप्लीट्स लीफ स्पिन पार्ट। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द क्लियर, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो प्लीज बता दीजिए, आपकी भी ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्कवरी हो, ठीक है। चलिए तो गियर पढ़ के आइएगा, है ना, गियर में इस पर गियर स्टार्ट करेंगे आप। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं एंड कर सकता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार चैट देख लूँगा।